नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुर सरिता पर। मैं हूँ प्रतिमा और आज आपके लिए लेकर के आई हूँ अखंड राम धुन स्पेशल। अखंड रामायण तो आपने सुना है, कई बार किया है, लेकिन आज मैं ये जो आपके लिए लेकर के आई हूँ, सिर्फ 3 लाइन की नोटेशन आप याद कर लीजिए और पूरी की पूरी अखंड रामायण आप बजा लेंगे। ये जो धुन है ये बहुत ही इजी होने वाली है बिगनर्स के लिए। स्टेप बाय स्टेप इसका ट्यूटोरियल बहुत ही इजी होने वाला है। और सबसे स्पेशल बात हम आपको बता दें, ये होगा प्ले हमारे कॉमन स्केल सी शार्प से। इसको कॉमन स्केल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही स्केल होती है। और एक खास बात और कि ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका एक फॉर्मूला है क्या कि सारे स्वर शुद्ध लगने वाले हैं। सिर्फ 3 लाइन आपको याद कर लेनी है, सिर्फ 3 लाइन की नोटेशन और पूरी की पूरी अखंड रामायण की धुन आप बजा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन जो आपको याद करना है। पहली लाइन क्या होगी? यानी धारे जल्दी से। मैंने आपको कहा है सिर्फ 3 लाइनें याद करनी है और आपको ये पूरा आ जाएगा। तो पहली लाइन ये है, इसकी नोटेशन याद कर लीजिए, क्या है? धारे रे 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 सा सा रे गा। शुद्ध शुद्ध स्वर है क्या? धारे रे रे रे, चार बार रे सा एक में है, सा रे गा। ठीक है, चार चार आठ और एक नौ, नौ नौ वर्ड्स आपको याद करने हैं, गिन लीजिए। ठीक है, धारे रे 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 सा सा रे गा। तो क्या हुआ? धारे रे 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 सा सा रे गा। इस पर कैसे गाया जाएगा? दूसरी लाइन फटाक से याद करिए, दूसरी लाइन क्या है? सुरुचि सुबा स सरस अनुराधा। इसका नोटेशन क्या है? सेकंड लाइन की नोटेशन फटाक से याद कर लिए, गाधा पागरे में भी है। ठीक है, गाधा पा गा रे मा गा रे रे। ठीक है, तो 2 लाइन तो आपको याद हो गई। अब तीसरी और लास्ट लाइन, जिसको याद करने से आप पूरा का पूरा रामायण धुन बजा लेंगे, वो क्या है? मंगल भवन नोटेशन क्या है? धा धा पा धा पा गा पा पा गा पा पा धा धा पा धा पा गा पा पा गा पा पा। यानी क्या करना है आपको? धा धा पा धा पा गा पा पा गा पा पा। ये थी तीसरी और लास्ट लाइन। अब क्या करेंगे? अभी तो ये अधूरी लग रही धुन, अब क्या करेंगे? जो सेकंड लाइन मैंने आपको याद कराई है, याद करिए क्या है वो? गाधा पगारे मागारे रे, वो यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं एक एक करके
ये पूरा बता देती हूँ, ठीक है? लास्ट वाला देख लीजिए मैंने क्या कहा है। ऐसे करके कि चार लाइन पर ये आपकी धुन बैठेगी, लेकिन आपको नोटेशन कितने लाइन की याद करनी है? सिर्फ तीन लाइन की। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये एक धुन आपको पूरा का पूरा रामायण आप गा लेंगे, बजा लेंगे सिर्फ इस एक धुन में। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।